तो अभी स्वामी जी आपकी तरफ से जैसे आप लहर की बात कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या क्या प्रयास हो रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ? किस चीज की कमी है, मतलब किस जिसको पूरा? हमने कहा कि मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र को यह ना हो कि प्रतिशोध की भावना से कोई अभियान है। पहले ही हमने उत्तर दिया कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर हिंदू थे, वृदारण्यकोपनिषदादि के अनुसार यह सिद्ध है, इसको तो कोई अन्यथा नहीं कह सकता। और पूर्वज इतने बुलंद थे, हर प्रकार से लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करने में समर्थ थे। मृत्यु, योग्यता और दुख, इन तीनों से अतिक्रांत जो परमात्म तत्व है, मोक्ष है, उसको प्राप्त कराने में समर्थ थे। इसलिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए, अपने पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए बहुत नाज पूर्वक सनातन वैदिक आर्य धर्म श्रेष्ठ है, नकल करने या अपनाने की क्षमता नहीं है तो अभी कम से कम विरोध न करें। विरोध कहीं हो भी नहीं रहा, हृदय स्वीकार। देखिए एक सिद्धांत है हमारा शास्त्र का, बौद्धों ने भी इसको माना है, तत्व पक्षपात वही स्वभावो ध्याम। व्यक्ति का, जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है किसी भी तथ्य को आप दर्शन विज्ञान व्यवहार में ढाल करके बोलेंगे, सामने वाला कोई भी क्यों ना हो स्वीकार कर लेगा। तत्व पक्षपात वही स्वभावो ध्याम, जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य को स्वीकार करना। हम उस ढंग से बोलते हैं, कहीं क्रिश्चियन तन, मुस्लिम तन, कम्युनिस्ट तन, कहीं हमारा विरोध नहीं होता। क्यों? हम कहते हैं सबके पूर्व सनातनी वैदिकार हिंदू, हिंदू अगर सनातन धर्म के अनुसार चलेंगे लौकिक उत्कर्ष होगा, पारलौकिक हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहेगा। अगर आर्थिक दृष्टि से लें तो अभी सनातन हिंदू धर्म सबसे उत्कृष्ट है। काम की दृष्टि से गोत्र प्रवर आदि का ध्यान रखेंगे, किसी की बहु बेटी पर किसी की कुदृष्टि नहीं जा सकती, नहीं तो किसी का भी अपहरण हो सकता है। इसलिए काम की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से, हर दृष्टि से सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म अपनाने योग्य है। कम से कम अपनाने की स्थिति में नहीं है तो विरोध तो नहीं करेंगे, विरोध कोई कर नहीं कर रहे। और धीरे धीरे मानवाधिकार की सीमा में मानवोचित शील को अपनाने के लिए सब तैयार हैं। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचार, ये नियम है, आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। अब्बल दर्जे का झूठ बोलने वाला भी दूसरों से सत्य भाषण की भावना रखता है। एक नंबर का चोर भी ये भावना रखता है कि चुराई हुई वस्तु हमारी कोई चुरा के ना ले जाए। एक नंबर का व्यभिचारी भी हमारे साथ, हमारी बहू बेटी के साथ कोई व्यभिचार न कर ले। एक नंबर का लूट के धनाढ्य भी हमारी लूटी हुई सामग्री को कोई लूट कर न ले जाए। आत्मना प्रतिकूलान परेशान समाचरित, कौन इसका खंडन करेगा? जैसे एक चीज का और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ धर्म दो है, सनातन और इस्लाम, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, बाद में सिर्फ और सिर्फ है। कालिका पुराण में आया है, बृहस्पति आगम में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, ऋग्वेद में आया है। हिंदू शब्द कोई नया नहीं, हिंदकूट, हिंद सागर, ये सब पुराने नाम हैं। हिंदुस्तान हिंदी तो कहते हैं, हिंदकूट, हिंद महासागर, ये सब पुराने नाम हैं या नहीं? ऋग्वेद में सुनिए, मेदिनी तंत्र में, कालिका पुराण में, ऋग्वेद में हिंदू शब्द आया है। हमारा ग्रंथ है, गर्व से कि हम हिंदू हैं। प्राचीन शास्त्रों में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग है, सब स्थल सहित हमने लिखा। कमी किस चीज की है? सरकार तो उन्हीं की है, कमी क्या है? अगर कोई खंडन भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं हो रहा हिंदू राष्ट्र, कमी क्या है, क्या करना चाहिए? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी तो केवल 13 महीने हुए हैं हमारे कहे हुए, 13 महीने का प्रभाव है कि आप प्रश्न कर रहे हैं। पहले कहाँ प्रश्न करते थे हिंदू राष्ट्र को लेकर? ये कम जादू आपको दिखाई पड़ता है क्या? 53 देश के हिंदू जागरूक हो गए हैं, तो बहुत लहर चल रही है, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र की बात तो हमारे यहाँ से पहले कही गई, कुल 13 महीने हुए हैं। पर राजनीतिक पार्टी ऐसा होने देंगी जो धर्म के नाम पे? पहले मेरा यही सवाल था, पर लगता है कि जो सरकार हिंदुस्तान में ऐसा हो के रहेगा, वैसा करके रहेंगे।
दमखम है तभी हम बोलते हैं। स्वामी जी, क्या आप ये सलाह देना चाहेंगे नहीं है कि हमें शस्त्र उठाने चाहिए या शस्त्र अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई? हमने 30 साल पहले कहा था हर हिंदू सेना हो, हर हिंदू सनातनी हो, अभी भी कहा बचपन से सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य, हम लोग सेना हर हिंदू सेना हो, हमने कहा ना स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, साथ ही साथ किसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, शील की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सेने को होना ही चाहिए। हमारे यहाँ आया विप्लव हो तो वैसे भी क्या अस्त्र शस्त्र उठा ले, प्रशिक्षण होगा तब तो